हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। इस चैनल पे हम लोग सभी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अभी अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले अधिगम सिद्धांत हम बताए थे दो तरह के संप्रदाय से प्रभावित हैं, एक तो व्यवहारवादी संप्रदाय और एक संज्ञानात्मक संप्रदाय। जो व्यवहारवादी संप्रदाय होता है वो उद्दीपक अनुक्रिया से रिलेटेड होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से, और जो हम यानी कि व्यवहार से रिलेटेड होता है जो, और हमारा जो संज्ञानात्मक संप्रदाय होता है उसमें हमारी सूझबूझ से वो मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं से रिलेटेड होता है। तो अभी हम व्यवहारवादी सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत में हम थॉर्नडाइक, पाउला और स्किनर को पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम हल को डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या कथन दिया था, क्या कहा था, क्या सिद्धांत दिया था। अगर आपको इससे पहले के हमारे वीडियो देखने हैं थॉर्नडाइक, पाउला, स्किनर, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को मैक्सिमम पॉसिबल हो जितना उतना आप शेयर करें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे मेरा जब भी नया वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हल का प्रबलन सिद्धांत को हम हल्स रेइनफोर्समेंट थ्योरी बोलते हैं। इसका जो ये प्रतिपादक थे या जनक थे, हम कह सकते हैं क्लार्क एल हल। इससे पहले हमने स्किनर का सिद्धांत बताया था। हमने कहा था कि सबसे पहले जो पुनर्वलन की व्याख्या दी थी या पुनर्वलन पर जोर दिया था वो किसने दिया था? स्किनर ने। लेकिन जो हल पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? हल ने। इनका पूरा नाम था क्लार्क एल हल। इन्होंने एक बुक लिखी थी व्यवहार के सिद्धांत। इन्होंने अपनी जो बुक लिखी थी उसमें इस प्रबलन सिद्धांत को अच्छे से एलिब्रेट किया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और उन्होंने मेन जो चीज़ लिखी है, उनका जो मेन सिद्धांत है वो ये कहता है कि सीखना या जो भी इंसान या प्राणी कोई भी कुछ सीखता है वो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी कि कोई इंसान सीखता है जो जिस चीज़ की उसे आवश्यकता होती है वो खुद से सीख लेता है। वो इसीलिए सीखता है क्योंकि उसे उस किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए वो सीखता है। जैसे मान लो आपको भूख लगी है, जो छोटा बच्चा है उसे खाना खाना नहीं आता, उसके सामने खाना रखा है, और अगर वो 1-1.5 साल का है वो खाना सीखने की कोशिश करता है, खाना खाने की कोशिश करता है। किसके लिए? वो अपनी पे पे भूख को मिटाने के लिए। एक चूहा है, उसके सामने आप पानी रख दो, खाना रख दो, ठीक, तो वो जब उसे भूख लगती है वो उसमें से पानी पी जाता है, और जब उसे सॉरी प्यास लगती है तो पानी पी जाता है, और भूख लगती है तो खाना खा जाता है और आराम से बैठ जाता है। तो वो सीख जाता है। किस लिए सीख जाता है? क्योंकि उसे आवश्यकता है। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिए थे ये थॉर्नडाइक पद्धति पे बेस्ड है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो हल्का सिद्धांत है वो किस पे बेस्ड है? थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पे बेस्ड है। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, ये जब अगर कोई क्रिया करता है उसका रिजल्ट सेटिस्फाई होता है तो वो फिर से वो क्रिया दोहराने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो सीख जाता है। तो यही इसमें कहा गया है कि वो आप अपनी उसे आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए वो सीख जाता है। हल्के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स जी थे, इन्होंने कहा था जो सीखने का आधार है वो क्या है? आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया। यानी कि जितना आवश्यक है अपनी पूर्ति आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए सीखा जाता है, यही सीखने का आधार है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह इसको सीख लेता है। कोई भी कार्य अगर उसकी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है। अब जो इस हल जी थे इन्होंने कहा था पुनर्वलन को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो सतत पुनर्वलन और दूसरा आंशिक पुनर्वलन। अब आंशिक पुनर्वलन को हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं अनुपात और अंतराल, यानी रेशियो और इंटरनल, रेशियो और इंटरवल। और अनुपात को रेशियो को हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं फिक्स्ड और वेरिएबल, और अंतराल को इंट्रावर्ट को भी हम फिक्स्ड और वेरिएबल में क्लासिफाई कर सकते हैं। हमने बताया था लास्ट वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था सतत पुनर्वलन क्या होता है, कंटिन्यूअस पुनर्वलन। आप कंटिन्यूअसली उसे पुनर्वलन दिए जा रहे हो जिससे उसे कोई काम करने की प्रेरणा मिल रही है, पुनर्वलन दिए जा रहे हो। जैसे आपने हमने बताया तो कोई बच्चा है क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, आप रोज उसको वेरी गुड दिए जा रहे हो, सतत कंटिन्यूअसली आप उसको लगातार वेरी गुड दिए जा रहे हो। तो ये जो हो गया ये कैसा पुनर्वलन हुआ? सतत कंटिन्यूअस लगातार। एक होता है आंशिक पुनर्वलन। आंशिक पुनर्वलन में क्या, आपने उसे कभी दिया कभी नहीं दिया, आंशिक रूप से दे रहे हो, कभी दे रहे हो कभी लगातार नहीं दे रहे हो, कंटिन्यूअसली नहीं दे रहे हो।
इन दोनों में सतत पुनर्वलन और आंशिक पुनर्वलन में आंशिक पुनर्वलन ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि जो कंटिन्यूस पुनर्वलन होता है वो एक टाइम बाद बहुत काम करना जिसका थोड़ा कम हो जाता है। जैसे आप किसी बच्चे को रोज वेरी गुड देते हो, रोज वेरी गुड देते हो, तो वो एक टाइम बाद तो थोड़ा बोर हो जाता है, तो वो उतने उसे उससे फिर उतना ज्यादा पुनर्वलन नहीं मिलता कि आज वो बहुत ज्यादा पढ़ के आए, कि बहुत अच्छा करके आए, कि आज उसे फिर से वेरी गुड मिलेगा। वो जानता है मुझे तो रोज मिलता ही है, तो ये थोड़ा वेरी गुड अगर आप उसे रोज मिलेगा तो ये पुनर्वलन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अब आंशिक पुनर्वलन क्या होता है, बच्चा मेहनत करता है, वो जानता है अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें आज हो सकता है गुड मिल जाए, तो वो हर रोज और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो जब जिस दिन उसे मिल जाता है तो फिर उसे और पुनर्वलन हिम्मत मिलती है, फिर नेक्स्ट टाइम वो और अच्छा करने के। अब इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आंशिक पुनर्वलन को, अनुपात और अंतराल। एक तो अनुपात मैंने रेशियो मैंने कि जितना अच्छा कार्य किया है उतना अच्छा मिल रहा है आपको वेरी गुड, जिस दिन अच्छा कार्य किया उस दिन अच्छा मिल रहा है, नहीं किया तो नहीं। और अगर अंतराल है वो एक फिक्स टाइम बाद देना है आपको वेरी गुड, मान लो आप हर चौथे दिन उसको वेरी गुड देते हो, तो क्या हो गया अंतराल, एक फिक्स अंतराल पे आप उसको दिए जा रहे हो। दूसरा, अब अनुपात को भी हमने बताया क्या, उसे भी आप फिक्स और वेरिएबल करके कर सकते हो, या फिक्स तरीके से दिए जा रहे हो, या वेरिएबल कभी कम कभी ज्यादा, या फिर आप उसे उतना ही रोज दिए जा रहे हो फिक्स, तो ये होता है फिक्स और वेरिएबल। और इसी तरह से अंतराल में भी आप कभी फिक्स तरीके से दिए जा रहे हो या कभी वेरिएबल बढ़ा चढ़ कभी कम कभी ज्यादा करके। हल्के सिद्धांत के अन्य नाम भी हैं, गणितीय सिद्धांत से हम मैथमेटिकल थ्योरी बोलते हैं, परिकल्पित निगमन सिद्धांत इसको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी, या आवश्यक अवकलन सिद्धांत, नीड रिडक्शन थ्योरी, और जैविकी अनुबंधन का सिद्धांत, ये हल्के सिद्धांत के अन्य नियम है। हल्का प्रबलन का सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है। ओवरऑल यही है कि आप जितनी आवश्यकता होगी तो इंसान सीख लेगा, और आवश्यकता नहीं होती है तो वो नहीं सीखता है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही वह सीखता है। अतः सीखना तभी सार्थक हो सकता है जब वह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब जो प्रबलन सिद्धांत है वो छात्रों के लिए किस तरह उपयोगी है, देखो वो हमें इस तरह का सिलेबस उन्हें पढ़ाना है, हमें इस तरह से उन्हें सिखाना है कि जिससे उनकी तो छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, हमें इस तरह से उनको सिखाना है, तभी वो सार्थक होगा, तभी उसकी कोई वैल्यू होगी, तभी उसका रिजल्ट निकलेगा। छात्रों की आवश्यकताओं को इसीलिए हम ध्यान में रख के सिलेबस को डिजाइन करेंगे कि उन्हें क्या आवश्यकता है, उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तो हमारा अधिगम सार्थक होगा या सीखाना हमारा सार्थक होगा। पुनर्वलन पर बहुत ध्यान देना है, बहुत हिम्मत फिर बहुत कोशिश करते हैं, उन्हें प्रेरणा मिलती है, एक तरह से मोटिवेशन मिलता है आगे करने के लिए, तो इन्होंने पुनर्वलन पर बहुत जोर दिया है। हल्का पुनर्वलन का सिद्धांत, यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी, हाई क्लासेस के लिए और ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हाई क्लासेस में स्टूडेंट को पता होता है कि हमारी क्या आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा इतना समझदार नहीं, तो उसका आपको ज्यादा समझ और उसके लिए भी उपयोगी होता है, लेकिन हायर क्लासेस के लिए थोड़ा और ज्यादा उपयोगी होता है। अब कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कई बार पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, पुनर्वलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, कॉलर ने, पावलाव ने, फ्रायड ने, या हल ने? ना कॉलर ने किया, ना पावलाव ने, ना फ्रायड ने, किसने किया पुनर्वलन के सिद्धांत का प्रतिपादन? हल ने। हमने बताया था ये क्वेश्चन कई बार आता है, और ऑप्शन में एक और नाम दिया जाता है, यहाँ इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, स्किनर। नहीं, स्किनर तो आपको ध्यान रखना है, स्किनर ने सबसे पहले पुनर्वलन का पर जोर दिया था, पुनर्वलन टर्म दिया था, लेकिन जो पुनर्वलन का सिद्धांत है, अगर सिद्धांत लिख के आता है कहीं क्वेश्चन में तो सिद्धांत में आपको हल पे ही टिक करना है। अगर पुनर्वलन पर जोर किसने दिया सब ये सब आए तो आपको किस पर टिक करना है, स्किनर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है, सीखने की व्याख्या से, सीखने की पुनः व्याख्या से, सीखने के आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, क्या हो जाएगा, सीखने की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, यही क्या है हल का नियम, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही प्राणी या इंसान सीखता है, या इनमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, सीखने की हेतु, सीखने की आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होते हैं, किसका कथन है, ये हल का कथन है, स्किनर, हल, गुदरी दिया है, थॉर्नडाइक,
वे किसका कथन है? हल्का। व्यवहारवादी संप्रदाय से संबंधित हैं। हमने मतलब स्टार्टिंग में और इससे पहले भी वीडियो बताए थे, उसमें लिख के भी पूरा स्लाइड में लिखा हुआ है, वो भी समझाया था, और आज हमने स्टार्टिंग में बताया था व्यवहारवादी संप्रदाय हैं। सबसे पहले हमने बताए थे थॉर्नडाइक, फिर पावलोव, फिर स्किनर, हल और गुथरी। इसके बाद जो पियाजे हैं, लेविन हैं, बांडूरा हैं, कैने हैं, ये सब संज्ञानात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। वैसे मैंने बता दिया, फिर भी आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में करना है। और तब तक के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। अब इसके अभी हम फिलहाल ये अधिगम के पूरे सिद्धांत कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें अधिगम के सिद्धांत से कोई ना कोई क्वेश्चन ना आए। और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चन इंक्लूड करती हूँ वो प्रीवियस ईयर में जो कई बार रिपीट हुए हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेना। इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो हमारा हम कंटेंट दे रहे हैं आपको दे रहे हैं, अगर आप ये पूरा सारे वीडियो पूरे अच्छी तरह से समझ के पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपको पूरे दिमाग में क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में जाते टाइम एक बार रिवाइज कर लें तो आपको से कोई क्वेश्चन निकल के बाहर नहीं जाएगा, बाल विकास का, मनोविज्ञान का। चलिए ठीक है, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।